सी हट। यहाँ पे देखिए एथेटिक सिरमौरी फूड रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पे सिरमौरी फूड मिलता है और ये नियर, मैंने जैसे आपको बताया जब हम शिमला की ओर जाएंगे तो ये सराह से थोड़ा सा आगे आता है और ये मजल में इकलौता ही है अभी, तो आप प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे ना एक बुनाई का काम भी होता है, ये देखिए आंटी सारे ये क्रोशिया से बुने हुए, क्या ये क्रोशिया वाले बुने हुए ये? ये जो यहाँ पे पोंचो है ये मशीनरी है सारे? हाँ, कुछ नहीं सिलाई के हाथ से बुने हुए ये क्रोशिया वाले। और ये मफलर है? हाँ जी मफलर है शॉप पे। और ये बकेट जैसे कि ये कैसे चिल्की पुती हो के कैसे दी आंटी ये? 650 का ये पर पीस 650 है और छोटे बड़े अलग अलग प्राइस इसका। बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर। ये देखिए क्या गाइस बहुत ज्यादा सुंदर है। ये लोग बैठे हुए और ये देखिए अपना घर का जो घर का से मटेरियल है ये जो अपने घर में बनाते हैं, अचार वगैरह भी घर का ही है ये सब कुछ। यहाँ पे मशीन लगी है चिल्ले हाँ। तो फ्रेंड्स हम लोग शियट में रुके ब्रेकफास्ट करने और ये देखिए यहाँ पे हिमाचली और सिरमौरी ट्रेडिशनल, मतलब हिमाचल सिरमौर में ही आता है ऑब्वियस है, इसको प्रमोट किया हुआ है। तो यहाँ पे बेवरेजेस में जैसे टी ये सब देख सकते हो, ब्रेकफास्ट में आलू परांठा और मेन कोर्स में दाल, मेन मक्की की रोटी, मिस्सी रोटी है, साग है और सिड्डू विद घी है और स्वीट डिशेस है। यहाँ पे लंच भी होता है बट मेन ये ना हिमाचल को ट्रेडिशन के लिए प्रमोट, मतलब प्रमोट नहीं सॉरी थोड़ा आप बताओ कि किस कैसा थ्रेड होता है इसका धागा? ऊन के धागे से। अच्छा जो नॉर्मल बुनाई वाला धागा होता है किसका कोई और अलग धागा होता है? नहीं 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 मैम, जैसे स्वेटर वगैरह बनाने वाले धागे होते हैं ना जो, अच्छा उसी से। इसमें तेज कलर लगते हैं, तेज कलर। और जो सुई आपके पास ये वही दूसरी वाली सुई कोई की नॉर्मल से? अच्छा जो अंदर बनाए हुए छोटे बड़े वो सब कुछ सब खुद बनाते हो? अच्छा चील के सुखाते हैं इसको? हरा सुखाते हर गिल्ली के तो फिर लूज हो जाते हैं ना ज्यादा, सूखी के पक्के बन जाते। और ये खराब तो नहीं होते है ना? नहीं, मेहनत वाला काम तो बहुत है ना। आलू झाड़ू नहीं बन, झाड़ू तो दूसरे के बनते हैं ना, वो तो दूसरा देवदार वाले को तो इस तरह से बनते जो उसे आपने बनाया हुआ इकट्ठा करके। हाँ जी खजूर का भी बनता है। अच्छा तो ये इसकी तो मतलब लोग बहुत ज्यादा लेते होंगे रोटी बॉक्स के लिए, रोटी रखने के लिए ले जाते हैं। 650 का रेट है इसका छोटे वाले का अंदर? अच्छा अलग अलग रेट है। अच्छा काम है वैसे। आप लोगों ने सीखा है कहीं? नहीं मैम यहीं पे बस एक दूसरों से। फ्रेंड्स ये है वो पेड़ जिसको बोलते हैं वान, जिसका कोयला बनता है। और ये है देखो चील का पेड़ और ये है चील का जंगल ही है ये पूरा, और ये है चील के पेड़ इस तरह से कुछ होते हैं और ये पूरा जंगल घना जंगल है। ये होता है चील का पेड़, इससे झाड़ू भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है इससे। फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप यहाँ पे लिखा है सोलन 7 किलोमीटर, शिमला 53 रह गया है। ये कुछ सामने आपको सोलन के नज़ारे दिख रहे हैं आप।
टाइम पहले सोलन का बरसात में टूटा था ये फ्लाईओवर। और यहाँ ऊपर है टनल, बट वो अभी बंद है वो वाला रास्ता, बस थोड़ा सा ऊपर है यहाँ से, इस टर्न से थोड़ी सी आगे टनल आती है। तो फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं पेखल्टी। देखिए ठियोग दिख रहा है यहाँ से, ये सामने जो दिख रहा है ना ये सारा ठियोग है। ये देखिए फ्रेंड्स ठियोग सामने, यहाँ पे धूप धूप भी लग रही है। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मॉर्निंग होगी, हम लोग शाम को 5 बजे पहुँच गए थे, तो हम लोगों ने व्लॉग एंड पास करके करके ये है बट खत्म हो गया। और सच में आते ही यहाँ पे जो चीज़ें साफ कर रहे हैं उसमें आप डेप साफ कर रहे हैं, तो बहुत कम पानी से कर रहे हैं, तो आपको दिखाती हूँ कि दिखाओ। तो आज बहुत ज़्यादा क्लाउडी क्लाउडी वेदर था, देखिए कितना सुंदर व्यू लग रहा है यहाँ से। और इस साइड जंगल है, थोड़ा फॉग सा आ रहा है, और अभी हमारे धूप भी नहीं आई बिल्कुल अच्छे से। और ये है सचिन, सचिन सचिन क्या हुआ सचिन, अब क्यों नहीं कर रहे? स्टार्ट ही नहीं हुई, स्टार्ट हो गई, पानी नहीं ले रही। पर वो सचिन का तो पोपट ही है, रोज पोपट हो गया, फिर से करो। हेलो गाइस, तो मैं सफाई कर रही थी और सचिन यहाँ पे सफाई कर रहे थे, है ना। सचिन यहाँ पे जो ये पौड़िया है उसको साफ कर रहे थे, ऐसे फ्लावर लगाए होते हम लोगों ने, तो मैं चार सफाई कर्मचारी बने हुए, होटल से भी नहीं छुट्टियाँ मिलती और घर से भी है। यस यू आर राइट, हमारे सफाई कर्मचारी खुला पानी मिला है ना यहाँ पे साफ करने के लिए, तो गिराते रहो। ये प्लांट है इतने सारे इन्होंने लगाए हुए, इन्होंने वो प्लांट लगा दिया अपने गमलों में, अब क्या रहा करने को, तोड़ ही दिया यार ये। ये कैसे फेंक रहे हो यार, कैसा लग रहा है घर आके? अभी मुझे कपड़े भी धोने आना, ईशा के कपड़े रखे हुए हैं और इन्होंने भी गंदे कर दिए कपड़े, भीग गए है ना। तो गाइस मैं चलती हूँ अंदर, क्यों यहाँ पे देखो हाथ मेरे पति ये देखिए ऐसे होते हैं गांव के लोग, कैसे होते हैं गांव के लोग, कैसे होते हैं, कैसे होते ऐसे होते हैं। कर्मचारी हो गई है स्टार्ट, आते ही आज ब्लास्ट बोल दिया है घर पे, तो सफाई चल रही है ब्रांड देगी। मम्मी छुट्टी पे जा रहे हैं ना थोड़े दिन के लिए, आज से मम्मी लीव पे गए, आज से कितने दिन की लीव है? 7 दिन, 7 दिन की लीव है, 7 दिन तो नहीं बहुत अच्छे प्रॉपर यार। ये हमारे दादू से मिले आप, दादू ये दादू बैठे हैं, मम्मी भी आ गई, मम्मी देखो मम्मी, तो ये बैठ चुके हैं सब धूप में और मम्मी छील रहे हैं मटर। अरे की तो बात ये देखो मटर, हमारे दादू थोड़े परेशान थे, मामा हम जब से आए, ये मम्मी छील रहे हैं मटर और ये कर रही है सफाई। तो चलिए मैं भी करता हूँ अपना काम, इनको भी करने देता हूँ।